पिछले 26 दिनों से किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी आंदोलन की पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा बीड़ा उठाया है कि किसानों की आवाज कैसे आप तक पहुंचाई जाए। देश का अन्नदाता आज इस बॉर्डर पर मौजूद है, सड़क पर मौजूद है पिछले 25 दिनों से, 26 दिनों से, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो बिल हम लेकर आए हैं वो किसानों की तमाम समस्याओं को दूर कर रहा है। लेकिन इन किसानों का यही कहना है, एक ही मांग है, पहले बिल वापसी फिर संवाद। लेकिन इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, क्योंकि अब गेंद सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है कि समय और तारीख आप कीजिए, उसके बाद इस आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। हर्षा देखिए, और हम आपको बताएं कि लगातार 27 दिनों से हम लगातार हर पल पल की अपडेट आपको यहां से दे रहे हैं, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर से दे रहे हैं। और पहले दिन से लेकर के 27 दिनों तक रितिका, हमने, आपने और हमारी पूरी टीम ने राकेश टिकैत जी से हर एक सवाल किया है जो आम जनता के मन में है, जो सरकार के मन में है और जो चिंता किसानों की बनी हुई है। आज भी राकेश टिकैत हमारे साथ है और हमारे हर सवालों का जवाब देंगे। राकेश जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि देखिये माहौल पूरा गाँव वाला है, पूरी पंचायत बद लगी हुई है, अलाव है, हुक्का है, सब कुछ है, तो पहला सवाल यही से शुरू करते हैं कि आखिरकार जो परेशानी है गांव के किसानों की वो कितनी बड़ी है और आंदोलन कितना बड़ा होने वाला है? आंदोलन तो बड़ा होगा भाई, देश में सबको अपना घर बड़ा चाहिए, फार्म हाउस बड़ा चाहिए, शहर वालों को गाड़ी बड़ी चाहिए, तो हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन भी बड़ा चाहिए। आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा, आंदोलन भी बड़ा होगा। जितने दिन आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही आंदोलन बड़ा होगा राकेश जी। और शायद ये बड़ा आंदोलन ही है जिसकी वजह से जो ट्रैक्टर ट्रॉली जगह जगह रोके जा रहे हैं, हाँ। उसके चलते जो दिक्कतें हुई, हाईवे जाम हुआ, आज आपने खुद NH9 खुलवाया है, हाँ। पहल आपने किया जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो, तो ये जो समस्या आ रही है तमाम बॉर्डर पे, विस्तार से बताइए वो समस्या किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है? वो तो पुलिस उनको रोक रही है, जो बाहर से लोग हमारे आ रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है, जहाँ पे पुलिस रोकती है वहीं बैठ जाते हैं, जब उनको पुलिस छोड़ती है वे आगे बढ़ जाते हैं। अभी जो काफिला रामपुर वहाँ पर रोका गया था बरेली के आसपास, वो अभी रामपुर और मुरादाबाद के बीच में पहुँचा अभी वो काफिला, तो अभी वो वहाँ रोक रखा है, वहीं पे ही वो बैठ गया है। और अब ये है कि वो आगे नहीं आएगा, हमने कहा कि आप वहीं बैठ जाओ, वहीं अपना भंडारे चलो, और वहीं की लोकल की सपोर्ट, मुंडा पांडे एक जगह पड़ती है मुरादाबाद में, वहाँ पर इस टाइम पे वे लोग हैं। मैंने तस्वीर देखी रितिका, इससे ऐड ऑन एक सवाल ले लेते, क्योंकि आज एक वीडियो आया था जो बहुत तेजी से राकेश जी वायरल हो रहा था, उस वीडियो में SSP नजर आ रहे थे, SSP अपनी गाड़ी से उतरते हैं किसानों को, जो मोबिलाइज हुए किसान है उनको हटाने के लिए, वहीं पे SSP को खुद भागना पड़ता है गाड़ी में बैठ करके, किसानों का जमावड़ा, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी। हाँ नहीं भाई, किसान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस फोर्स उनको रोक रही है, वहां से बैरियर तोड़ते हैं, फिर आगे 5 किलोमीटर आगे फिर फोर्स के बैरियर लगा देते हैं, तो इस तरह से उन्होंने काम कर रखा। और हमने कहा कि आप रात को वहीं रुको अगर नहीं पुलिस आने देती, और वहीं एक पूरा एक इसी तरह का आंदोलन वहां से ही हम शुरू करेंगे, आज नहीं होगा तो कल शुरू होगा। जी ठीक है सर, लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है क्यों बन रही है, क्यों बॉर्डर्स पे इतनी हजारों की संख्या में किसान मौजूद है? और देखिए आज भी कृषि मंत्री से कुछ किसानों ने मुलाकात की, कौन वो किसान थे? मुलाकात का पता नहीं चला कौन कौन थे, उनका एड्रेस दे दो हमको भी, उनसे जानकारी करेंगे किसानों से, नई टेक्नोलॉजी उनके पास में होगी तो उसकी जानकारी करते हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है कि आज किसानों ने मुलाकात की कृषि मंत्री से? कोई जानकारी? तस्वीरें हमारे पास है, मैं बोलू PCR को कि दिखाएं आपको, हाँ, मुलाकात की तस्वीरें, फोन मुलाकात, बहुत लोग हैं मुलाकात करने वाले, जिनकी इच्छाएं रहती है कि मैं मंत्री से मुलाकात करूं, बहुत लोग हैं। लेकिन ये जो टकराव है, ये जो अड़ियल रुख है दोनों पक्षों का, आखिर क्यों बना हुआ है? क्यों तो नहीं है अड़ियल रुख उनका है जिन्होंने कानून बनाए, जो वापसी लेना नहीं चाहते, अड़ियल रुख तो उनका है, हमारा तो नहीं। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार आपके साथ धोखा कर रही है, जो बिल आपके लिए लेकर आए हैं कि ये कहते हुए कि किसानों की तमाम समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, जो कि पिछले कई सालों से मांग की जा रही थी कि ये समस्या है किसानों की है, वो दूर हो जाएगी, आपको क्यों लग रहा है कि सरकार धोखा करेगी, धोखेबाजी कर रही है? फसल पे जो लागत आ रही वो महंगी होगी, फसल कम रेट में बिखरी और आमदनी दुगनी होगी, उस मास्टर जी से मिलवाए दो हमको, जिसने गणित का जो सवाल निकाल लिया उससे मिलवा दो हमको, भाई आमदनी हमारी कैसे बढ़ेगी उससे मिलवा दो हमको। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि जय हमारे कैमरा पर्सन, सबसे पहले आप गाजीपुर का पूरा माहौल दिखाइए, जो हमने पंचायत लगाई है आप उसका पूरा ऊपर से विजुअल दिखाइए कि गाजीपुर रात में इस समय किस तरह से नजर आ रहा है और किसान भाई किस तरह से रात अपनी व्यतीत कर रहे हैं। राकेश जी, आज मेरी गन्ना मंत्री सुरेश राणा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि
छह साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था। जब योगी की सरकार आई तो अभी हमने तीन साल का भुगतान कर दिया, जो भुगतान उन्हें लगभग एक करोड़ के आसपास बताया। उन्होंने कहा अभी तीन साल का और भुगतान बाकी है, जिसका हिसाब उन्होंने 300 करोड़ के आसपास बताया। उन्होंने कहा बस यही बचा है, छह साल से जिन लोगों ने नहीं किया, हमारी सरकार ने तो आते ही भुगतान कर लिया, अभी तीन साल का बचा है वो हम कर देंगे। आप यहीं से सुरेश राणा जी को जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आज उन्होंने पर्सनली मुझसे फोन पे ये बात की और कहा राकेश जी से पूछेगा। वो उनके पिताजी का बयान आया था कि हमारा तो भुगतान हो गया नहीं, क्या 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया? क्या जिस फैक्ट्री में उनका गन्ना जाता है उसका पूरा भुगतान हो गया? वे यही कहते कि हमने अपना ही भुगतान करवा दिया। शुगर फैक्ट्री, थाना भवन की शुगर फैक्ट्री, बजाज शुगर मिल रहे हैं, उस पर करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है और उनके परिवार का भी, उनका भी बकाया है। भाई वो अपना ही दे दे कि मैं कितना गन्ना डाल लिया और मेरा भुगतान हो गया। कि अगर सुरेश राणा का ही भुगतान हो गया हो, उसका भी बकाया है, सबका बकाया है, कोई भुगतान नहीं। कुछ किसानों का कहना है कि 14 दिन में भुगतान हो रहा है गन्ना किसानों का, किसी का नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में तो है नहीं किसी का। मेरठ के कई किसान सामने आ चुके जो कि कह चुके इस बात को, उनकी लिस्ट मंगवा लो ना, कितना गन्ना डाला और 14 दिन में हो गया क्या, हम मान जाएंगे फिर। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो सरकार के मंत्री भी हैं वो सही बात सामने नहीं लेकर क्या रहे, कहीं ना कहीं वो जो एक बात पे सबकी एक राय होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं बैक एंड पे भी, क्योंकि बहुत सारे मंत्री आपके टच में भी है, कई लोग आपके सपोर्ट में है लेकिन सरकार के सामने सपोर्ट पे खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसा भी हाँ, है। ऐसा ही है, ऐसा थोड़ा विस्तार से बताइए, एक लाइन में नहीं चलेगा राकेश जी, विस्तार से बताना। ये खेती करते हैं, अगर गन्ना उनके पास में है तो वे अपना हिसाब बता दें कि कितने का गन्ना डाल लिया, कौन सी तारीख में गन्ना डाल लिया और उनका हिसाब हो गया क्या, वो बता दे जी। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, क्योंकि हमारे सहयोगी आपको पता है आपको बहुत पसंद करते हैं और जी हिंदुस्तान के तमाम दर्शक भी आपको पसंद करते हैं, इसीलिए हितेन आपका क्या सवाल है, आप सिंघू बॉर्डर पर है और राकेश जी हमारे सहयोगी की आपको तारीफ करनी चाहिए क्योंकि पिछले 27 दिनों से बहुत ही मुश्किल स्थिति में काम कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर। आपका तो धन्यवाद है कि आप दिखा रहे हो, टीवी वालों का काम ने वो कराया, टीवी तो भाई किसानों के साथ में है, आप लगे हो।